हेलो। हेलो, क्या हाँ रिंकेश, हो भाई? बस अच्छा हूँ, तू बता कैसा है। बस बढ़िया। हाँ बता, क्या कह रहा था। अरे, मेरे पास की सारा वाले एजेंट का फोन आया था कि सहारा एजेंट, ठीक है। हाँ हाँ, तो आज कोई इसका सारा रिफंड पोर्टल आने वाला है क्या? हाँ बिल्कुल यार रिंकू, मैं तेरे को फोन करने ही वाला था। आज क्या है, यदि तू न्यूज देखेगा, आज तक न्यूज पे जाएगा या और भी न्यूज पे देखेगा तू, तो क्लियर क्लियर वहां पे दिया हुआ है कि अच्छा, आज मंगलवार है ना। हाँ, मंगलवार आज। हाँ आज 11 बजे तक, ठीक है, अच्छा सारा इंडिया का रिफंड पोर्टल आ जाएगा। जो अपने अच्छा केंद्रीय गृह सहकारिता मंत्री अमित शाह जी, ठीक है, हाँ, वो आज इसको लॉन्च करेंगे, इस वाले पोर्टल को, सारा इंडिया का जो पोर्टल है, ठीक है, अच्छा तो आज वो लॉन्च करने जा रहे हैं। जो अपना अटल ऊर्जा भवन है, ठीक है, हाँ, तो वहीं से लॉन्च होगा सारा इंडिया का पोर्टल। मतलब अच्छा ये मान ले 11 बजे तक, ये पोर्टल 11 बजे तक का नाम है कि 11 बजे तक ये पोर्टल लॉन्च हो जाएगा। और इसमें जिन भी लोगों का पैसा फंसा पड़ा है, वो हाँ सभी निवेशक इसमें अप्लाई कर सकेंगे, ठीक तो है। अप्लाई कब तक कर सकेंगे? नहीं अप्लाई इसमें अभी, ये पोर्टल फिलहाल रनिंग में है। इनका जो पैसा, जो रिफंड मिलेगा, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, दिसंबर तक, दिसंबर 2023 तक, ठीक है। अच्छा हाँ दिसंबर 2023 तक पैसा रिफंड हो जाएगा। शुरू में 5,000 करोड़ तक का पैसा रिटर्न होगा, ठीक है। जितने भी अच्छा निवेशक अप्लाई करेंगे उसके हिसाब से अभी शुरू में 5,000 करोड़ पैसा ही रिटर्न मिलेगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। अच्छा और इसके अलावा यदि मैं उसकी बात करता हूँ, तो टोटल जिन लोगों के पैसे फंसे पड़े हैं, ठीक है, वो अप्रोक्स मान के चल 10 करोड़ लोग ऐसे हैं, ठीक है, जिनके पैसे फंसे पड़े हैं सहारा में। अच्छा पर आज शायद खुशखबरी आ सकती है, अगर पोर्टल लॉन्च हो गया ना रिंकू, तो हाँ, 100% पैसा रिफंड मिलेगा ही मिलेगा, 100% अच्छा मिलेगा। अभी एक नहीं, पोर्टल ऑलरेडी चल जैसा रहा है, मैं तेरे को अच्छा बता देता हूँ, अभी एक पोर्टल ऑलरेडी चल रहा है पिछले 10 दिन से, पर उस पोर्टल पे कोई ट्रस्ट नहीं है, कोई विश्वास नहीं है। जो पोर्टल ऑलरेडी चल रहा है, मैंने तेरे को पहले ही बताया था इसके बारे में। बट यदि आज अमित हाँ शाह जी अगर आज अनाउंसमेंट करते हैं कि सारा इंडिया का पोर्टल 11 बजे लॉन्च हो जाएगा, और यदि वो हो जाता है, तो कन्फर्म अपन लोगों का पैसा अपने को वापस मिल जाएगा। बता अच्छा तो इसके लिए क्या क्या आईडी लगानी पड़ेगी? आईडी यार रिंकू, आईडी मेरे हिसाब से वही रहेगा, अपना आधार कार्ड जो है मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, मेन तो चीज ये है इसमें, ठीक है। हाँ वो तो तेरा है ही, मेरा भी है, कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें, तो ठीक है। हाँ आधार कार्ड उससे उस लिंक होना चाहिए मोबाइल नंबर से, और अपना जो बैंक अकाउंट जो है वो भी अपने हाँ आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, ठीक अच्छा है। ये दो तीन चीजें हैं, और अपने पास एक बॉन्ड होना चाहिए सारा का, कि सारा की तरफ से बॉन्ड हमें मिला था, और हमारी मैच्योरिटी है वो कंप्लीट हो चुकी है, हमारे इसकी जो अवधि है वो पूरी हो चुकी है। जिनकी भी मैच्योरिटी कंप्लीट हो अच्छा चुकी है ना, उन सबको सारा इंडिया की तरफ से पैसा मिलने वाला है यार, ठीक है। अच्छा हाँ यार, सबसे ज्यादा पैसा पता है कहाँ के लोगों को फंसा पड़ा है? सबसे ज्यादा बिहार, झारखंड, यूपी, एमपी, इन लोगों का पैसा सबसे ज्यादा, ठीक है, सहारा इंडिया में फंसा पड़ा है। लोग कितनी बार हाँ आंदोलन मतलब कर चुके हैं, कितनी बार आंदोलन कर चुके हैं लोग इसके लिए, लोग दर दर भटक रहे थे इसके लिए कि हमारा पैसा कब मिलेगा, हमारा पैसा कब मिलेगा। यार कई कई लोग तो रिंकू ऐसे थे, मैं तेरे को सही बताता हूँ, जिन्होंने अपनी जीवन की जितनी भी कमाई थी ना, सारी की सारी सहारा इंडिया में लगा दी थी, पता है। हाँ लाख लाखों रुपए लगा रखे हैं। हाँ हाँ मैं तेरे को बता रहा हूँ, मतलब जैसा कि सुनने में आता है कि लोग अपनी जिंदगी की सारी कमाई इस वाले सहारा इंडिया में लगा दी थी, बट उनके साथ फ्रॉड हुआ। बट अब गवर्नमेंट की तरफ से शायद कुछ रिलैक्सेशन मिल सकता है उन लोगों को, यदि पैसा वापस मिल अरे जाता है तो कितनी बड़ी बात है यार, और क्यों। क्या, इससे बड़ी खुशी तो आई नहीं। हाँ इससे बड़ी खुशी तो आई, अगर पोर्टल लॉन्च हो गए ना रिंकू, आज यदि जेन्युइन पोर्टल लॉन्च हो गया, आज उसका नोटिफिकेशन आ जाता है, और 11 बजने में ज्यादा टाइम नहीं बचा है अभी, मेरे हिसाब से शायद बहुत कम टाइम बचा है 11 बजने में, ठीक है। हाँ 10-12 मिनट है। हाँ तो शायद 100% पॉसिबिलिटी है कि यदि आज पोर्टल आ जाता है, ठीक है, यदि हाँ ये न्यूज सही होती है, जैसे आज तक के न्यूज पे अगर तू देखेगा, गूगल करके देखना, वहां पे क्लियर क्लियर दिया हुआ है, आज तक की तरफ से भी दिया हुआ है, बाकी व्हाट्सएप ग्रुप पे भी, कई सोशल प्लेटफॉर्म पे भी ये न्यूज वायरल हो रही है कि आज सारा का पोर्टल आएगा, तो सिर्फ अभी अच्छा अनुमान लगाया जा सकता है, ठीक है, बट ये अनुमान 100% शायद सही होगा, ठीक है। हाँ सही होगा, जो अमित शाह जी ने किया हाँ है तो। हाँ अटल ऊर्जा भवन से आज इसका अनाउंसमेंट हो जाएगा, और सारा इंडिया का पोर्टल आज आ जाएगा, और उसके ऊपर कैसे क्या आवेदन करना है, क्या नहीं करना, वो सारी की सारी डिटेल है ना, तुझे कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है, उस वेबसाइट पे सारी डिटेल तेरे को देखने को मिल जाएगी, ठीक है। जिस ठीक है वेबसाइट से तू अप्लाई करेगा, सीआरसीएस की वेबसाइट से, ठीक है, वहां पे तेरे को सब कुछ देखने को मिल जाएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ने वाली है और क्या क्या पड़ने वाला है। अच्छा हाँ
बोल बता। जैसे ये जैसे आधार कार्ड में नाम है, जैसे कि खाली नाम नाम सरनेम नहीं है। नहीं नहीं सरनेम वगैरह मतलब वो डॉक्यूमेंट्स में नाम सही होना चाहिए। अच्छा हाँ डॉक्यूमेंट्स में नाम सही होना चाहिए। अच्छा हाँ और सब मजा में? हाँ सब मजा में। चल ठीक है ना, ठीक है ओके ब्रदर, ओके बाय।